साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की पहली लिस्ट आज आ सकती है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन इसी बीच यूपी में एनडीए के सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार है। यूपी में जल्द एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा, ये माना जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी 100 से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है, वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये भी मिल रही है कि बीजेपी के जो सहयोगी दल है उनके लिए 6 सीटें छोड़ेगी बीजेपी। बीजेपी के फॉर्मूले के मुताबिक आरएलडी और अपना दल एस को 2-2 सीट दी जाएगी, जबकि ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है एसबीएसपी और निषाद जो पार्टी है उसके लिए 1-1 लोकसभा सीटें दी जाएगी। तो तय माना जा रहा है बीजेपी का फॉर्मूला कि कितनी सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ा जाएगा और गठबंधन की जो पार्टियां हैं उन्हें कितनी जो सीटें हैं वो दी जाएगी। और मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, नीरज पांडे हमारे साथ हैं और वीरेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, जो ये फॉर्मूला तय किया गया है, क्या फॉर्मूला ये माना जाए, कितनी सीटें जो गठबंधन की सहयोगी है बीजेपी उन्हें देगी, क्या फॉर्मूला तैयार किया गया है? देखिए, यूपी में 80 में से 76 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी। 76 जब मैं कहता हूं तो 1 सीट जो निषाद पार्टी को दी जाएगी वो भी भाजपा के सिंबल पर उनका प्रत्याशी लड़ेगा, जैसा पूर्व में 19 में लड़ा था। वैसे ही जो राजभर को सीट दी जाएगी जिसको लेकर गठबंधन 19 में टूटा था, लेकिन निषाद का जो फार्मूला है सिंबल भाजपा का होगा, प्रत्याशी राजभर का होगा यानी उनके पुत्र होंगे, तो वो सीट जो होगी वो भले दी जाएगी निषाद को, राजभर को सिंबल भाजपा का होगा। लेकिन जो जयंत को दी जाएगी वो अपने सिंबल पर 2 सीट लड़ेंगे, जो अपना दल एस यानी सोनेलाल पटेल यानी अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है उनको 2 सीट दी जाएगी जो अपने सिंबल पर लड़ेंगी, पूर्व की भांति लड़ेंगी, यानी 4 सीट ऐसी है अनुप्रिया और जयंत की जो सिंबल उनके होंगे, लेकिन राजभर और निषाद के लिए सिंबल भाजपा का होगा। 76 सीट यानी 80 में 76 सीट ऐसी होगी जहां से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा, और सीटों का भी बंटवारा लगभग तय हो चुका है। अपना दल सोनेलाल यानी अनुप्रिया की बात करें तो रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर या प्रतापगढ़, यानी पिछले उन जो चुनाव था 14 में प्रतापगढ़ से जीती थी अपना दल, तो ऐसे में पिछला चुनाव भाजपा वहां से लड़ी थी, लेकिन हो सकता है कि रॉबर्ट्सगंज की जगह प्रतापगढ़ हो जाए। और वैसे ही बिजनौर और बागपत है जयंत के लिए, ऐसे ही राजभर के लिए घोसी और गाजीपुर, और निषाद के लिए संत कबीर नगर और भदोही है। बिल्कुल नीरज, आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि फॉर्मूला तो तैयार हो चुका है, लगभग जो फॉर्मूला तैयार किया गया था उस पर जो मंथन है वो पूरा हो चुका है, लेकिन जो नामों का ऐलान है वो कब तक किया जा सकता है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं संभव माना जा रहा है कि जो नाम है जो पहली लिस्ट है बीजेपी की तरफ से वो जारी की जा सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली, करीब 60 ऐसी लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की वो पूरी हो चुकी हैं, प्लस देश भर की करीब 18 राज्य हैं जहां की लोकसभा सीटों का मंथन पूरा हो गया, चर्चा पूरी हो गई, केंद्रीय चुनाव समिति के सामने उन लिस्टों को रख दिया गया, केंद्रीय चुनाव समिति ने अपनी सहमति भी दे दी, लेकिन बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं अभी और सेट करने बाकी हैं। जैसे मैं बता दूँ आपको कि एनडीए में जयंत चौधरी की औपचारिक एंट्री अभी बाकी है, वो हो सकता है आज घोषित हो जाए। इसके अलावा कुछ और लीडर्स की एंट्री करानी है, क्योंकि फर्स्ट फेज के कई ऐसी सीटें हैं जिसमें अभी नए उम्मीदवारों को सामने लेके आना है, तो भारतीय जनता पार्टी उन सब पर काम कर रही। मुझे ऐसा लगता है कि आज देर शाम तक या अभी ये जो लिस्ट है वो अगले 1-2 दिन के लिए होल्ड भी हो सकती है, अगले 1-2 दिन बाद रिलीज की जा सकती है, क्योंकि जब तक भाजपा सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर लेगी, यानी किसी नेता की एंट्री होनी है तो वो एंट्री करानी, प्लस एनडीए का जो पश्चिमी यूपी में एनडीए का गठबंधन का क्लियरेंस है वो अभी होना है, ये सारी चीज जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, प्लस पंजाब में अभी गठबंधन फाइनल होना है, फॉर्मूला तो तैयार हो गया है, अब देखने वाली बात है कि कब तक जो नामों का ऐलान है वो किया जाता है बीजेपी की तरफ से। बहुत धन्यवाद वीरेश आपका भी और नीरज आपका भी तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।